जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में जर्नल एंट्री करना दोस्तों अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं या टैली यूज़र हैं या अगर अकाउंटेंट का कोई भी वर्क करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आज आप टैली प्राइम में जो हम लोग भाउचर के अंदर जर्नल एंट्री करेंगे उसको हम बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे कि कैसे हम उसकी एंट्री टैली प्राइम में करेंगे क्वेश्चन कैसा भी हो कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप आसानी से उसे समझ करके टैली प्राइम में एंट्री कर पाएंगे आइए आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं देखते हैं उसे हम एंट्री करके जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मैंने कैश जो है कि एक लाख पूंजी इन्वेस्ट करके एक बिजनेस को स्टार्ट किया इसकी एंट्री टैली प्राइम में कर देनी है तो चलिए एक एक एंट्री हम देखते हैं पहले पहले हमें एंट्री करनी है एक बिजनेस स्टार्ट करनी है जिसमें एक लाख रुपये हम कैश के रूप में पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे टैली प्राइम हम खोल लेते हैं एंट्री करने के लिए भाउचर में जाएंगे जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उसकी एंट्री एफ में करते हैं तो यहाँ से हम एफ सिक्स क्लिक करेंगे रिसिप्ट सबसे पहले आपसे रिसिप्ट में क्रेडिट पूछा जाएगा तो हम क्रिएट में जाकर के एक लेज़र बनाएंगे कैपिटल के नाम से दोस्तों ये कैपिटल का लेज़र अंडर चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में तो हम यहाँ से कैपिटल अकाउंट में डाल करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे अमाउंट एक लाख रुपया है तो हम यहाँ से एक लाख रुपया डाल लेते हैं अब दोस्तों ये पैसा जो है कैश में इन्वेस्ट किया जा रहा है कैश में लग रहा है तो कैश हम रख करके और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो पहली एंट्री आपकी हो जाती है दूसरी एंट्री है क्रिएट अव एस बी बैंक अकाउंट एक बैंक अकाउंट आपको अपने बिजनेस के लिए खोलना है जिसमें अकाउंट नंबर कुछ भी हो सकता है एज़ लाइक फॉर दिस तो चलिए हम इसकी एंट्री करते हैं इसके लिए हमें करना क्या है जब भी हम कोई भी बैंक खाता खोलते हैं तो उसके लिए हमें एक लेज़र बनाने की ज़रूरत होती है तो सिर्फ इसके लिए लेज़र बनेगी हम एस्केप से बैग जाएंगे यहाँ से हम चले जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में जाते ही आपको लेज़र का एक ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक कीजिएगा और एक लेज़र बनाइएगा एस बैंक जिस भी बैंक का हो बैंक हमेशा बैंक अकाउंट में जाता है तो बैंक अकाउंट डाल लेंगे और जो आपका अकाउंट नंबर था वो आप यहाँ पे डाल लें अब इंटर करके आईएफएससी कोड जो भी होगा वो यहाँ पे डाल लेंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और भी डिटेल्स है एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं पिन कोड वगैरह इसके से बैक जाएंगे तो ये दूसरे क्वेश्चन का भी एंट्री हो चुका है अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है कैश डिपोजिटेड इन बैंक फाइव थाउजेंड यानी जो आपके पास कैश एक लाख रुपया है इसमें से अपने बैंक में पाँच हज़ार रुपया को डाल लेना है इसकी एंट्री करनी है तो हमें फिर वाउचर में जाना है वाउचर में जाने के बाद जब भी पैसा बैंक से रिलेटेड एंट्री आती है तो कॉन्ट्रा में करते हैं तो कॉन्ट्रा पे क्लिक करेंगे कॉन्ट्रा खुल जाएगा अब पैसा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर तो डिपोजिट कर रहे हैं डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक में मेरे पैसा जा रहा है तो यहाँ पे हम क्रेडिट में कैश लिखेंगे अमाउंट फाइव थाउजेंड और डेबिट में ये पैसा बैंक में जा रहा है इसलिए हम डेबिट जब भी जहाँ भी पैसा जा रहा होता है उसको डेबिट के सामने करते हैं तो पैसा बैंक में जा रहा है यानी डिपोजिट कर रहे हैं तो पाँच हज़ार रुपया हम यहाँ पर अपने बैंक में डाल लिए और एक्सेप्ट कर लिए अब यहाँ पर पूछा जाएगा पाँच हज़ार में कितने का क्या नोट है तो एक हज़ार का पाँच डाल देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं अब आपके बैंक में पाँच हज़ार रुपया हो गया अगर आप बैलेंस देखेंगे ट्रायल बैलेंस तो एक बार हम बैक चल के आपको बैलेंस शीट दिखाते हैं फोन करते हैं तो देखिए कैश इन हैंड में आपको पंचानवे हज़ार रुपया आप बैंक में पाँच हज़ार रुपया आपका चला गया ठीक है तो ये एंट्री आपकी हो गई अगली एंट्री के लिए फिर हम अकाउंटिंग माउचर में जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परचेज करना है कोई सामान चेक के थ्रू दो हजार रुपया दोस्तों मैंने अभी अभी पाँच हज़ार रुपया अपने बैंक में डाला और उसमें से दो हजार रुपया का चेक के थ्रू मतलब चेक के थ्रू ही कोई सामान खरीदना है तो मेरे पास बैंक में पाँच हजार रुपया ऑलरेडी अवेलेबल है दो हज़ार का हम आसानी से कोई सामान परचेज कर सकते हैं तो परचेस करने के लिए हम टैली में आएंगे यहाँ से परचेस पे क्लिक करेंगे परचेस खुलेगा मोड चेंज करने के लिए हम यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करेंगे एज भाउचर मोड पे क्लिक करके इंटर करेंगे सप्लायर्स इन्वेस्ट नंबर डालेंगे उसके बाद डेट डालेंगे सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा तो हम यहाँ पर क्रेडिट में क्या डालेंगे बाई चेक के थ्रू कर रहे हैं तो कैश तो डाल नहीं सकते तो बाई चेक के लिए बैंक डालेंगे इंटर करेंगे कितनी की खरीदारी है इंटर करके आगे बढ़ेंगे तीन हज़ार रुपया डालेंगे इंटर करने के बाद तीन हज़ार है या दो हज़ार है दो हज़ार है तो इसको हम बैक करके दो हज़ार कर लेते हैं यहाँ पे दो हज़ार अब इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक लेज़र बनेगा परचेज़ का क्योंकि सामान परचेज़ कर रहे हैं तो हम क्रिएट में जाके एक परचेज़ का लेज़र बनाएंगे जो अंडर जाएगा परचेज़ अकाउंट में और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ परचेज़ का लेज़र बन जाएगा आपका तो क्रेडिट में एस बी आई बैंक और डेबिट में परचेज़ का लेज़र एक्सेप्ट करेंगे तो अगर हम बैलेंस शीट अगर आपको दिखाते हैं तो आपके अकाउंट से दो तीन दो हज़ार रुपया कम हो जाएगा बैलेंस शीट वन देखिए यहाँ पे आपने बैंक में आपके पास मात्र तीन हज़ार ही बचा हुआ है दो हज़ार रुपया भी खर्चा हो गया क्योंकि बाई चेक के थ्रू मैंने सामान को परचेज कर लिया अब अगली क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं भाउचर में और क्वेश्चन को देखते हैं सोल्ड करना है सामान को बाई चेक के थ्रू ही तीन हज़ार रुपया दोस्तों मेरे बैंक में तीन हज़ार रुपया ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है तीन हज़ार का और सामान बेचेंगे तो छः हज़ार रुपया हो जाएगा चलिए सेल्स करने के लिए एफ एड प्रेस करेंगे सेल्स खुलेगा चेंज मोड एज वाउचर इंटर पहले डेबिट पूछा जाएगा तो बाई चेक के थ्रू बेच रहे हैं तो एस बैंक में पैसा मेरा आएगा तो हम एस बैंक को सेलेक्ट करेंगे इंटर करेंगे अमाउंट तीन आने वाला है तो हम यहाँ से तीन क्योंकि सामान हम तीन का बेचे हैं क्रिएट में जाएंगे हम सामान बेचे हैं तो एक सेल्स का लेज़र बनाना पड़ेगा अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे देखिए दोस्तों कितना आसान था जर्नल एंट्री करना अब हम बैग जाएंगे अगर हम बैलेंस शीट आपको चेक कराएँ ऑल्टेफन प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास बैंक में छः हज़ार रुपया अवेलेबल है और कैश इन हैंड पंचानवे हज़ार तो था ही आपके पास एक लाख एक हज़ार रुपया पूरा का पूरा पैसा है आपके पास और यहाँ पे सारी चीज़ और चीज़ भी दिखा रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है तो एक हज़ार रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे जो कि स्केप से जा करके बैक प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट एक हज़ार रुपया दोस्तों अगर एंट्री में चेंजिंग करनी हो तो स्केप से बैक जाएंगे जाएँगे बुक में जाएंगे जो भी एंट्री की है वो सारी की सारी यहाँ पर शो करेगी हम इंटर करके आसानी से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसान होता है टेली प्राइम में जर्नल एंट्री करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के कॉन्टेंट अगर हमेशा देखना चाहेंगे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद आपका दिन सुबह